हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जोनी में। आज हम कुछ खेलों के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक का यह 32वां संस्करण है और यह जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुए हैं। डेट है 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2021। ये ओलंपिक 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया और फिर यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में हुए। मास्कोट यानी शुभंकर, इन खेलों का शुभंकर था मिराई तोवा और मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन। नेक्स्ट है स्टार्टिंग में ध्वजवाहक, यानी उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। कुल देश 205। टोक्यो ओलंपिक में कुल 205 देशों ने हिस्सा लिया, जिनमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी अमेरिका से थे 630 और भारत से खिलाड़ी थे 127। भारत के इन खिलाड़ियों ने 18 गेमों के लिए पार्टिसिपेट किया था। पहला गोल्ड जीता, पहला गोल्ड यांग कियान नामक चीन की एक महिला ने जीता है और उन्होंने एक गोल्ड वुमेन शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। यह टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड था। लोरेल हबर्ड, लोरेल हबर्ड न्यूजीलैंड के हैं और यह फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। इन्होंने वेट लिफ्टिंग वुमेन्स तासी गेजी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में वुमेन में 87 केजी में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर ओलंपिक्स गोल्ड, ऐसे देश जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड जीता है वह है बरमूडा, फिलीपींस, कतर। नेक्स्ट है कम उम्र विजेता, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की विजेता है मोमीजी निशिया। मोमीजी निशिया 13 वर्ष की है और यह जापान की रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा उम्र का विजेता है अब्दुल्ला अल राशिदी। अब्दुल्ला अल राशिदी की उम्र 57 वर्ष है और यह कुवैत का रहने वाला है। इसने शूटिंग में कांस्य पदक जीता है और यह सबसे ज़्यादा उम्र का है। नेक्स्ट है दीपक काबरा इज फर्स्ट इंडियन ओलंपिक जिमनास्टिक जज एंड पवन सिंह इज फर्स्ट इंडियन ओलंपिक शूटिंग जज। दीपक काबरा पहले इंडियन ओलंपिक हैं, ये जिमनास्टिक जज थे और पवन सिंह शूटिंग के जज थे। नेक्स्ट है पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी वह थी पीटी उषा। पीटी उषा पहली भारतीय महिला थी जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी। नेक्स्ट है टॉप 10 रैंक्ड कंट्रीज इन टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ऊपर के 10 देश जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, उनमें नंबर एक पर है यूएसए। यूएसए ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 113 पदक जीते। नंबर दो पर है चाइना, चाइना ने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 88 पदक जीते। नंबर तीन है जापान, जापान ने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 58 मेडल जीते हैं। नंबर चार पर है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन ने 22 गोल्ड 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 65 मेडल हासिल किए और इसने चौथा स्थान हासिल किया। नंबर पाँच है रशिया, रशिया ने 20 गोल्ड 28 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज टोटल 71 पदक जीते। नंबर छः ऑस्ट्रेलिया, नंबर सात पर नीदरलैंड, नंबर आठ फ्रांस, नंबर नौ जर्मनी, नंबर 10 इटली, नंबर 12 पर है ब्राज़ील और अपना भारत रहा है 48वें नंबर पर। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 पदक जीते हैं और यह पदक तालिका में 48वें नंबर पर रहा है। वे भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीते हैं, उनमें नंबर एक है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। नीरज चोपड़ा ने यह गोल्ड 7 अगस्त को हासिल किया और 7 अगस्त को फिर जेवलिन थ्रो डे मनाने का फैसला किया गया है। नीरज चोपड़ा ने यह मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था 7 अगस्त को।
नेक्स्ट है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने वेट लिफ्टिंग 49 kg में सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल मीराबाई चानू ने ही जीता था। नंबर 3 है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इन्होंने बैडमिंटन में। नंबर 4 है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने रेसलिंग में 57 kg भार वर्ग में यह मेडल हासिल किया है। रवि कुमार दहिया के नाम पर दिल्ली में एक स्कूल का नाम किया गया है। 5 लवलीना बोरगोहिन। लवलीना बोरगोहिन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इन्होंने बॉक्सिंग में यह मेडल जीता है। फिर है इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और यह मैन हॉकी टीम है। गर्ल हॉकी टीम का स्थान इसमें 4th नंबर पर रहा था। बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इन्होंने रेसलिंग में 65 kg भार वर्ग में यह मेडल जीता है। और बजरंग पुनिया समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक भी रहे थे। फिर है इम्पोर्टेंट ओलंपिक, जो कुछ पहले हुए थे और जो आगे होने वाले हैं। 2000 के ओलंपिक सिडनी में हुए थे। 2004 के हुए थे एथेंस में। 2008 के बीजिंग में। 2012 के ओलंपिक लंदन में हुए थे और इनमें भारत ने 55वां स्थान हासिल किया था। भारत ने इसमें 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। 2016 के ओलंपिक रियो में हुए, जिसमें भारत का 67वां स्थान है, इसमें 2 पदक जीते, 1 रजत और 1 कांस्य। 2020 के ओलंपिक टोक्यो में हुए, जो हमने अभी पढ़े थे। 2024 के ओलंपिक पेरिस में होंगे। 2028 के लॉस एंजलिस में होंगे और 2032 के ब्रिस्बेन में होंगे। नेक्स्ट है आईपीएल। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई। 2008 में विनर थे राजस्थान रॉयल्स और रनर अप टीम रही चेन्नई सुपर किंग्स। 14वें आईपीएल 2021 में हुए, जिसमें विनर चेन्नई सुपर किंग्स और रनर अप कोलकाता नाइट राइडर्स। 15वें आईपीएल 2022 में संपन्न हुए, जिसमें विनर गुजरात टाइटंस रही और रनर अप है राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट है हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में बार्सिलोना स्पेन से हुई। इसमें विनर पाकिस्तान है और रनर अप स्पेन है। भारत इसमें 3rd नंबर पर रहा था। 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर भारत में ही खेले गए। इसमें विनर बेल्जियम और रनर अप हॉलैंड है और भारत ने इसमें 6ठा स्थान हासिल किया था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में ही होंगे। नेक्स्ट है मैन फुटबॉल वर्ल्ड कप। मैन फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में हुई उरुग्वे से। इसमें विनर उरुग्वे रहा और रनर अप अर्जेंटीना। 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप रशिया में हुए, जिसमें विनर फ्रांस रहा और रनर अप क्रोएशिया। 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप दोहा कतर में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कुछ टूर्नामेंट्स। नंबर 1 है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में मेन सिंगल में विनर है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया का रहने वाला है, और रनर अप है डेनियल मेदवेदेव, जो कि रशिया के रहने वाले हैं। और वुमेन सिंगल में विनर है नाओमी ओसाका, जो जापान की है, और रनर अप है जेनिफर ब्राडी, जो कि यूएसए की है। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2021। यूएस दो ओपन 2021 में मेन में विनर है डेनियल मेदवेदेव, जो कि रशिया के हैं, और रनर अप है नोवाक जोकोविच सर्बिया से। और वुमेन सिंगल में विनर है एमा राडुकनू, जो कि यूके की है, और रनर अप है लेलह फर्नैंडीज, जो कि कनाडा से है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2021। इसमें मेन सिंगल में विनर नोवाक जोकोविच है सर्बिया से, और रनर अप है स्टेफन्स टसिट्सिप्स ग्रीस रिपब्लिक। और वुमेन सिंगल में विनर है बारबोरा क्रेजिकिकोवा, और रनर अप है एना टासिया प्लाल्यूक हैनकोवा, जो कि रशिया से है। विंबलडन 2021। विंबलडन 2021 में मेन सिंगल में विनर है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से है, और रनर अप है मैटियो बाल्टिनी, जो कि इटली से है। और वुमेन सिंगल में एसले बाल्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, और कैरोलिना प्लिस्कोवा, जो कि सिजेक है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 और विंबलडन 2021 में इन तीनों में विनर्स नोवाक जोकोविच ही है। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच रनर अप रहे हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।